for HS first year and second year commerce tuition and become tuition, you can contact with me in this number 6001601899. So welcome students to another new video. So आज के वीडियो में बात करेंगे fresh CUT के जो apply चल रहे फर्स्ट सेम के FOIUG फर्स्ट सेम के जो अप्लाई स्टार्टिंग हुए CUT के बेसिस पे, सो उसके रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम हो रही है CUT अप्लाई में, सो उसके रिगार्डिंग स्टूडेंट्स लोग के इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे आज के वीडियो में. सो आप लोगों को क्या करना है, बड़े वीडियो में एंड तक बना, सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते. सो आसाम यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेम के एडमिशन्स के लिए अभी CUT जिन्होंने एग्जाम दिया था उसके बेसिस में एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है. लेकिन जो प्रॉब्लम फेस हो रहे स्टूडेंट्स के तरफ से CUT के अप्लाई के समय पे, आसाम यूनिवर्सिटी ने इन्फॉर्मेशन ली थी नोटिस दे के पांच सब्जेक्ट चूज करने के लिए. पहले NTA के तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि तीन सब्जेक्ट चूज करके आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन फिर आसाम यूनिवर्सिटी ने अपना खुद का क्राइटेरिया निकाला था कि मिनिमम पांच सब्जेक्ट आप चूज करो. तो काफी स्टूडेंट्स ने उस समय पे चूज की थी, लेकिन काफी स्टूडेंट ने चूज नहीं किया था, तीन सब्जेक्ट लेके उन लोगों ने एग्जामिनेशन दिए थे. आसाम यूनिवर्सिटी का गलती कहां पे होता है, ऑफिशियल जस्ट एक नोटिस वो लोग पब्लिश कर देते, स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन गया कि नहीं उसके रिगार्डिंग तो कुछ उनको जानना भी नहीं है. जस्ट अपना ऑफिशियल एक जो ड्यूटी है, ऑफिशियल एक नोटिस अपने वेबसाइट पे डाल दिया या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू छोड़ दिया, तो उसी से इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट के पास चला जाना चाहिए और उसी में गलती होगा स्टूडेंट्स की तरफ से. सब स्टूडेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन नहीं जाते, तो जिस कारण स्टूडेंट्स लोगों ने पास सब्जेक्ट चूज भी नहीं किया, जिस कारण उनका भी अप्लाई भी नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम शो हो रहा है. जिन्होंने पास सब्जेक्ट चूज नहीं किए थे, तीन सब्जेक्ट लेके एग्जाम दिए थे, उनके अप्लाई प्रॉब्लम हो रहे. सो जिनका तीन सब्जेक्ट का था उनको जब आप अप्लाई करने जाओगे, सो आपको एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होंगे उसमें दिखाएंगे आप नॉट एलिजिबल हो. सो उसके रिगार्डिंग अभी तक कुछ तो कॉलेजों ने अपडेट्स नहीं दिया कि उनका एडमिशन होगा या फिर नहीं. होपफुली आसाम यूनिवर्सिटी चेंजेस करेंगे, क्योंकि अभी तीन दिन टाइम दिया है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड अगस्त को अप्लाई करने के लिए. होपफुली काफी स्टूडेंट्स ने चूज नहीं किया था पास सब्जेक्ट, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा है. सो होप है आसाम यूनिवर्सिटी हो सकता है एक फ्रेश नोटिस देके इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्राइटेरिया में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्राइटेरिया में चेंजेस नहीं होते काफी स्टूडेंट्स का इस बार फर्स्ट सेम में एडमिशन होने में प्रॉब्लम होगा. ऑलरेडी तो नॉन CUT बहुत सारे एडमिशन हो चुके हैं, उसमें जिनका परसेंटेज डाउन था उनको भी एडमिशन नहीं मिला है. जो CUT एक लास्ट होप था, इसमें भी अभी थोड़ा स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम फेस हो रहा है जिन्होंने पास सब्जेक्ट चूज नहीं किए थे. सो जिन्होंने पास सब्जेक्ट चूज नहीं किया आप लोग को तो अभी प्रॉब्लम दिखाएगा, क्योंकि सिस्टम में नॉट एलिजिबल आप लोगों को दिखाएंगे. हो सकता है कुछ चेंजेस अगर होंगे आसाम यूनिवर्सिटी से, कोई भी अपडेट्स आएंगे देन मैं आप लोगों को शेयर करके दे दूंगा. सो ये इन्फॉर्मेशन सोचा मैं आप तक शेयर कर दूं, क्योंकि स्टूडेंट्स लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है अप्लाई में जाने के बाद नॉट एलिजिबल दिखा रहा है. सो बाकी फर्दर कुछ अपडेट्स अगर आते देन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करके दे दूंगा. और बाकी कुछ डाउट रहने से डिस्क्रिप्शन में तो मैंने इंस्टाग्राम की आईडी है, सो मुझे फॉलो करके आप लोग DM करके पूछ सकते हो. और बाकी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप को याद करके ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन उसका भी लिंक दिया हुआ. सो ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में मैसेज बने चल के साथ जुड़े. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी.